माय नेम इज हमजा, और आज हम जो सेशन लेके आए हैं वो है यू असेंबली स्टेप वन। मेरे साथ जो मौजूद हैं वो है हमजा यूनस, और हम हील विद स्माइल के प्लेटफॉर्म से आज ये सेमिनार करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हमजा यूनस की तरफ और उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। कैसे हैं हमजा? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिल्कुल ठीक ठाक हमजा यूनस है। मैं फाइबर मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ और अभी फिलहाल मैं हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से जॉब कर रहा हूँ, और स्टेप वन मैंने दिया है यूएस में, तो अभी स्टेप टू के लिए बैठा हूँ। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक, अच्छा हमजा, आप हमें ये बताएं कि यू असेंबली क्या चीज़ है? यू असेंबली बेसिकली जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है हर कंट्री में होता है, कनाडा का अपना है, इसी तरह यूके का अपना है, इसी तरह यू असेंबली जो है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हो, तो उसके लिए वो आपको असेस करते हैं। इसके तीन स्टेप्स हैं, स्टेप वन, टू और थ्री, जिसमें वो आपको असेस करते हैं और फिर रेजिडेंसी, आप फर्दर अपनी ट्रेनिंग वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो बेसिकली ये उसके लिए एक एग्जाम है की रिक्वायरमेंट है। ठीक, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफसीपीएस लेते हैं और एफसीपीएस में जितने आपके नंबर आते हैं तो उस हिसाब से आपको अपनी स्पेशलिटी के मुताबिक मतलब ट्रेनिंग में इजाजत देते हैं, तो इसी तरह उनका भी सिस्टम इस तरह है। यूएसएमएलई उसके लिए जरूरी है। ठीक है, तो हमजा ये कैसे होता है कि किसी पर्सन को स्टेप वन और स्टेप टू करना होता है? सिर्फ ये पास कितने करने होते हैं या सारे पास करने होते हैं, उसके बगैर उनको लाइसेंस नहीं मिलता, किस तरह इनका प्रोसीजर है? इसमें ये होता है कि आईएमजीज के लिए थोड़ा टफ होता है, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स, फॉर एग्जांपल जितने भी यूएस के अलावा जितने भी और कंट्रीज हैं वहाँ से जो भी ग्रेजुएट्स होंगे तो वो आईएमजीज कंसिडर करते हैं उन्हें, तो उनके लिए टफ इस वजह से है क्योंकि उनको ज़्यादा स्कोर करना होता है स्टेप्स के एग्जाम में एज कम्पेयर टू एएमजीज। एएमजीज को वो प्रेफरेंस भी देते हैं, सर्जरी में भी उनको आसानी से मिल सकता है, बट आईएमजीज को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, स्कोर्स को ज़्यादा लाना पड़ता है, तो इस वजह से मतलब स्कोर एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें, और अटेम्प्ट एक रेड फ्लैग कंसिडर किया जाता है। जब फॉर एग्जांपल आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं वो, तो उसमें वो देखते हैं कि भाई इसकी फेल तो नहीं किया ना इसने, तो कोशिश होनी चाहिए कि बंदे की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बंदा अच्छा स्कोर ले लेना, तो उसकी सीवी पे मतलब इतना बैड इंप्रेशन नहीं पड़ता। इनकेस अगर किसी की अटेम्प्ट आ गई है तो फिर उसको अपनी सीवी के और एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल रिसर्च हो गया, पेपर्स उस बंदे ने ज़्यादा पब्लिश कर लिए, तो फिर वो एक अच्छा गेस मतलब ये इंप्रेशन जाता है उन पे कि इसने कवर अप किया अपनी मतलब जो डेफिशिएंसी थी उनको रिसर्च के जरिए या किसी और जरिए से मतलब, तो एक अच्छा स्कोर और बाकी ओवरऑल सीवी इम्पोर्टेंट होती है मैचिंग के लिए। ठीक है, अच्छा हमजा आप हमें ये बताएं कि मतलब हर स्टेप है, स्टेप वन है, स्टेप टू है, स्टेप टू में फर्दर सी के है, सी एस है, जिसमें से एक जो है वो अभी ख़त्म हो गया और स्टेप थ्री है, तो इन ईच स्टेप में किस चीज़ को ये लोग मतलब आपसे किस चीज़ में ये लोग एग्ज़ाम करते हैं, इसमें किस चीज़ के बारे में? जैसे आप स्टेप वन दे चुके हैं तो स्टेप वन में किस चीज़ के लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? स्टेप वन में, अच्छा आप कह रहे हैं कि कंटेंट्स क्या है, वो किस चीज़ पे हमें टेस्ट कर रहे हैं वो लोग? ठीक है, स्टेप वन में इस तरह है कि वो आपको बेसिक साइंसेस फॉर एग्जांपल एनाटॉमी, फिजियो, बेसिकली आपका फोर्थ ईयर तक जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, जिसमें एनाटॉमी, बायोकेम, फिजियो, पैथो, फार्मा, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, तो ये स्टेप वन के मतलब कॉन्टेंट्स हैं। स्टेप टू में फिर वो क्लिनिकल साइड टच करते हैं, जिसमें वो मेडिसिन हो गया, सर्जरी, पीड्स, ऑब्स और साथ में पीड्स वगैरह, ये चीज़ें टेस्ट करते हैं उसमें। और सी एस जो होता था वो आपकी मतलब जिस तरह ऑस्की होती है, यहाँ पे स्टेशन होते हैं मुख्तलिफ, वो थे बट अभी वो डिसकंटिन्यू कर लिए क्योंकि कोविड की वजह से, तो मेरे ख्याल से वो दोबारा शायद ना आए, तो उस वजह से ओईटी उन्होंने रख दिया कि आपके लैंग्वेज को असेस करने के लिए ओईटी कंपेरेटिवली ईजी है, तो वो बंदा आसानी से कर सकता है पास। और जो स्टेप थ्री है वो एडिशनल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बंदा मैच हो के वहाँ पे जाके फिर स्टेप
थ्री भी दे सकता है, बट कुछ लोग स्टेप थ्री पहले दे देते हैं अपनी मैचिंग से पहले, क्योंकि उसमें फिर वीजा का वो हो जाता है कि उनको प्रेफरेंस दी जाती है ना वीजा वीजा के ऊपर। H1B जो होता है वो एक अच्छा वीजा है, मतलब तो वो उनको मिल सकता है स्टेप थ्री जिन्होंने किया होता है। तो ठीक है, मतलब हाँ, तो स्टेप थ्री भी जो है वो उसमें भी ये बेसिक्स और क्लिनिकल दोनों को मिला के, और साथ में कुछ इस तरह सिमुलेशंस होती हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर होगा, उस पर आपको बताएंगे कि फॉर एग्जांपल गर्ड का एक पेशेंट है, उसकी आपने मैनेजमेंट क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी सेंड करनी है, वो सारा हॉस्पिटल वाला सीन है। तो वो मतलब वो भी है उसमें ना, थोड़ा एडिशनल एडिशनल चीज़ जो है। ठीक है, अच्छा हमजा, अब हम प्रॉपर यूएसएमडी स्टेप वन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि इनकी बुकिंग कैसे होती है, शुरू से जो प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का अप टिल एग्जाम स्टेप वन का, वो क्या होता है? अच्छा, ये बुकिंग का इस तरह के, पहले इससे पहले ये क्वेश्चन हो सकता है कि बुकिंग कब करनी चाहिए ना एग्जाम की, तो क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। तो आइडियली ये है कि जब आप ने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की हो, यूवर्ल्ड आपने तकरीबन 80% कर लिया हो, या इनिशियल फेजेस में 50% 60%, तब आप डेट बुक कर लेना, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कब तक मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा एग्ज़ाम के लिए। तो मिड वे थ्रू आप मतलब एग्ज़ाम की डेट बुक कर सकते हैं ना। तो इसका यह है कि आपने पहले एक उनकी साइट है ECFMG की अपनी ना, ECFMG IWA, उस पे पहले अपने ECFMG का अकाउंट बनाना होता है, और फिर अकाउंट की वेरिफिकेशन होती है, और काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मगर यह है कि एक महीना तकरीबन इसमें लगता है, 20 से 30 दिन ना। तो जब ये ECFMG का अकाउंट आपका बन जाता है, उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में फिर आप स्टेप वन की एप्लीकेशन जो होती है वो पूरी फिल करते हो, मतलब उसमें आपसे काफ़ी इंफॉर्मेशन मांगी होती है कि कॉलेज का नाम, अपने अपना नाम, मतलब इस तरह डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये अपनी सारी जनरल इन्फॉर्मेशन, और बाकी ट्राइड का, ट्राइड का एक भी पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल ट्राइड का ये होता है कि 3 महीने का एक ट्राइड होता है ना, तो उसमें ये होता है कि आपने इन 3 महीनों के अंदर अंदर अपना एग्जाम देना होता है, मतलब अगर इसे एक्सटेंड करोगे तो वो फिर आप एक्सटेंशन के पैसे चार्ज करेंगे मतलब डॉलर्स में। तो वो आइडिया नहीं है मुझे कितने हैं, बट होते हैं उसके ना पैसे। तो बंदे को जब मतलब मिड वे 50% हो जाता है, तो वो ये प्रोसेस शुरू कर देता है कि जल्दी से मतलब डेट भी मिल जाए ना। तो ठीक है, फिर स्टेप वन की एप्लीकेशन जब होती है, तो उसके 2-3 हफ्ते बाद वो फिर आपको ईमेल करते हैं कि इस साइट पे आप चले जाओ, और यहाँ से मतलब डेट बुक होती है, प्रोमेट्रिक उसका नाम है साइट का, तो वहाँ से डेट बुक होती है ना। इस्लामाबाद में एक सेंटर है, एक लाहौर में और एक कराची में, तो वहाँ पे मिल जाती है डेट। खैर इस पे काफी डिटेल में हो सकती है, मगर यह है कि इनिशियली बंदे को बस थोड़ा रफ सा आइडिया हो के ये ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस। तो अभी अभी आपकी यही बात थी कि मसलन बंदे को बुकिंग कब करनी चाहिए, तो बुकिंग कब करनी चाहिए, थर्ड ईयर के बाद करनी चाहिए, फोर्थ ईयर के बाद करनी चाहिए, फाइनल ईयर के बाद करनी चाहिए, फाइनल ईयर के दौरान करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? जब बंदा मतलब उसने बेसिक्स कर ली हो, बेसिक सब्जेक्ट्स मतलब वीडियोस वगैरह के साथ स्टेट कर ली हो, उसके बाद एक होती है फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, यू वर्ल्ड करते हो। तो यू वर्ल्ड ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 50% कर लिया है, 50% फॉर एग्जांपल उसके क्वेश्चन हैं मतलब 4000, तो आपने 2000 क्वेश्चन कर लिए हैं, 2500 क्वेश्चन, तो आपको आइडिया हो गया कि भाई मैं मिड वे थ्रू हूँ, और यह कि अगले 4-5 महीने में मैं एग्जाम दे सकता हूँ, तो उस वक्त फिर बंदा एग्जाम की डेट ले लेता है। क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि बंदे पहले से एग्जाम ले लेता है, फिर बीच में गैप्स आते हैं, तो फिर वो बंदा डिस्ट्रैक्ट भी होता है, तो फिर मतलब वो उसे डेट फिर एक्सटेंड करनी पड़ती है। तो यह है कि बंदा एक ट्रैक पे लग जाए, 50% हो जाए, उससे अब डेडिकेशन 50% के बाद और बड़ी बंदे की बढ़ जाती है, शुरू में मतलब गैप्स थोड़े आते हैं, फिर आखिर में बंदा जैसे जैसे होता रहता है तो गैप्स नहीं आते स्टडी में, मतलब तो ज्यादा दिन लगता है स्टडी में, तो उस वक्त बंदा आइडियली उसी वक्त मतलब बंदा ले 50% जब
मतलब कर ले वो यू वर्ल्ड। अच्छा, तो आप जो हमारे जूनियर्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको हाँ प्रिपरेशन जैसी मेडिकल मेडिकल स्कूल में एंटर हो फर्स्ट डे से स्टार्ट करनी चाहिए या कब स्टार्ट करनी चाहिए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार, अभी तो स्टेप वन पास फेल हो रहा है, तो ठीक है आइडियली टाइम जो होगा वो थर्ड और फोर्थ ईयर में निकालना है, मतलब ठीक है अगर आइडियली बंदा देखे, वरना ठीक है हमारे जो मतलब सीनियर्स हैं वो हाउस जॉब इवन रेजिडेंसी में मतलब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तब देते हैं। इस ठीक वजह से है कि मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो उनकी शायद थिंकिंग वो अच्छी हो जाती है, मेडिसिन का सर्जरी का ज़्यादा उन्हें पता लग जाता है, तो क्वेश्चंस मतलब ज़्यादा पिकिंग एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। मगर अभी स्टेप ठीक वन है पास फेल हो रहा है तो इतनी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं है, और उसके मुकाबले में स्टेप टू की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, तो आप बजाय स्टेप वन को इतना ठीक ज़्यादा टाइम दो, आप स्टेप टू को ज़्यादा फिर टाइम दोगे। तो अभी आपने तो किया स्टेप्स अभी जिस तरह ठीक क्वेश्चन, है स्टेप वन की कब शुरू करनी चाहिए, तो सेकंड ईयर के शुरू जी। से या थर्ड ईयर तक मतलब बंदा शुरू कर दे तो आइडियल है, मतलब अगर वो सी मतलब सी इस वक्त शुरू कर देता है और फोर्थ ईयर के शुरू में मतलब सारी बेसिक्स एक दफ़ा कर लेता है, तो वो मतलब फोर्थ ईयर में आसानी से यू वर्ल्ड करके एग्ज़ाम भी फोर्थ ईयर में दे सकता है। तो टाइमलाइन ठीक आइडियली है थर्ड ईयर के एंड तक या फोर्थ ईयर के मतलब शुरू में मिड में मतलब अगर बंदा दे दे तो फाइनल ईयर में जो है ना स्टेप टू के लिए बैठेगा, और स्टेप ठीक टू है फाइनल ईयर में भी ठीक है निकल सकता है, और हाउस जॉब में फिर ठीक वो है बाकी एप्लीकेशन वगैरह की जो रिक्वायरमेंट होती है सीवी की स्टेप 3 की वो करके जैसे ही बंदा हाउस जॉब से फारिग होगा वहाँ पे उसकी मैचिंग भी हो सकती है, मतलब इस तरह अगर टाइमलाइन रखी तो ठीक बिना है किसी मतलब जाया किए साल वगैरह या इस तरह कुछ ना। तो ठीक है। अच्छा, ये इसी से एक और क्वेश्चन बन रहा है कि टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए प्रिपरेशन का? 6 months होने चाहिए, 7 months होने चाहिए, एट यार ये मंथ्स होने तो चाहिए? पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और कितना बंदा एक दिन में कितना पढ़ता है उस लिहाज से भी बंदे वेरिएशन कर होती है ना। वैसे जब ठीक है पहले था वो कुछ बंदों की 8 to 1 year तक स्टेप वन की प्रिपरेशन चली जाती थी, इतने ना 1 साल तक ठीक है भी जाती थी। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर पास फेल हो गया तो आपको 7 months तक मैक्सिमम या 8 months तक रखनी चाहिए अगर आप डेडिकेटेड में ठीक हो। है ठीक है मतलब ये डेडिकेटेड का ये है कि आपने बेसिक्स वगैरह थोड़ा बहुत आपको आइडिया है उसका, जस्ट आप यू वर्ल्ड कर रहे हो, फर्स्ट एड कर रहे हो उसके साथ क्वेश्चंस और वो सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन रीड करके फर्स्ट एड पे डाल रहे हो ना, तो ये डेडिकेटेड ठीक सिक्स टू है सेवन मंथ्स मतलब बंदे के लग सकते हैं स्टेप वन में, और स्टेप टू का ठीक फिर ठीक उसके भी 6 7 months उसके भी इसी तरह लगते हैं। तो ये है कि ये ठीक पर्सन है टू पर्सन वेरी करती है चीज़ ना, इनकी शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ते होंगे और काम जल्दी हो जाता होगा उनका, कुछ लोगों को थोड़े स्लो लर्नर्स होते ठीक हैं उनको ज़्यादा टाइम देना होता है उनको। तो ये है कि ठीक आप कंपेयर ना करें, आप अपनी मतलब टाइमलाइन खुद बनाएं। जी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रिपरेशन के हवाले से, क्या सोर्सेस हमें यूज़ करने चाहिए, बुक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी वीडियोस हमें यूज़ करनी चाहिए स्टेप वन की प्रिपरेशन में, सारे सब्जेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए? अच्छा, हाँ ये बहुत क्रूशल सवाल भी है, काफ़ी ज़्यादा जूनियर्स के जहन में होता है कि स्टेप वन तो शुरू कर देंगे बट क्या चीज़ कहाँ से क्या पढ़ना है, तो उनके जहन में होता है। तो मैंने एक स्लाइड ठीक है वगैरह बना के रखी हुई थी, वो मैं ज़रा शेयर कर दूंगा। तो ठीक है आप शेयर ये कर है कि शेयर मैं कर हाँ मैंने आ रही है नज़र अभी मैंने, जी। अरे यार अच्छा, इसमें यह है कि मैंने यूएसएमएलई की जितनी भी मतलब फेजेज हैं उनको मैंने बताया कि फेज 1 में आपने क्या करना है, फेज 2 में और 3 में, 3 फेजेज हैं जनरली, और ज़्यादातर आपका टाइम जो लगेगा फेज 2 में लगेगा। फेज 1 जो है फेस आपकी, टू हाँ जी फेज 2 में आप यू वर्ल्ड कर रहे होते हैं क्वेश्चन उसके, तो उसमें आपका ज़्यादा ठीक टाइम है लगता है। फेज 1 में आपने ये करना है कि सारी जो आपने बेसिक्स पढ़ी है ना, एनाटमी, फिजियो, बायोकेम, फार्मा, पैथोलॉजी, माइक्रो, ये सारी चीज़ें, तो ये आपने कोई इसका रिसोर्स लेना है, कुछ कुछ की बुक्स हैं, कुछ की वीडियोस हैं, तो वो आपने वहाँ से कवर करना है सब कुछ ना। तो ठीक है इसका फॉर एग्जांपल अगर बंदा डेडिकेटेडली करता है तो 2 to 3 months में आप मतलब कर सकते हो इसको, अगर आप
डेडिकेटली करते हो उन वीडियोस को, तो आप 2 to 3 months में कर सकते हो उनको ना। अच्छा, हमजा हाँ इधर मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करूंगा कि आप मुझे बताएं कि डेडिकेटेड स्टडी की आपने बात की है, तो 2 to 3 months में हो जाएगा, तो कितने पर आवर स्टडी करनी चाहिए एक बंदे को इस चीज के लिए? यार, इनिशियली तो थोड़ा कम होता है क्योंकि बंदा एग्जैक्टली स्टेमिना करेक्ट स्टेमिना बंदे का कम होता है, तो फर मतलब जैसे जैसे बंदा प्रोग्रेस करता है तो फिर वो 8 to 10 hours तक भी चला जाता है, बट शुरू ठीक में है बंदे की 4, 5, 6 इस तरह रहती है बंदे की ना, तो ठीक है ठीक हाँ उसी के मुताबिक बंदा स्टडी करता है। तो ये है कि इतना एग्जॉस्ट ना करे बंदा शुरू में ही कि आगे मतलब उसके लिए बर्न आउट हो जाए और वो दूसरी फेज में एंटर ना हो सके। तो मतलब ये है कि शुरू में थोड़ा स्लोली लें, फिर जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है फिर उसको और मतलब टाइम ज़्यादा देते रहें उसको, तो ठीक है इस तरह। और भी है कि बीच में कुछ ना कुछ डेज निकालें, फॉर एग्जांपल वीक में एक दिन या 2 weeks में एक दिन, जिसमें मतलब जी आप स्टडी के रिफ्रेशमेंट्स बारे, हाँ आप स्टडी के बारे में सोचें ना, मूवीज देखें दोस्तों के साथ, बाहर घूमें फिरें, बस जो आपके मतलब हॉबीज़ हैं उसको कंटिन्यू करें। ठीक है और इससे ये होगा कि आपको एग्जॉशन नहीं होगी, आपकी पिकिंग पावर जो है वो ब्लंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटिन्यूसली 2 हफ्ते तक स्टडी करता हूँ और बिना किसी ब्रेक के, तो मैं मतलब क्वेश्चन को रीड कर सकूंगा बट मुझे उसकी समझ नहीं आएगी, पिकिंग पावर कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम होती है उससे। तो ये जरूरी है कि आप ब्रेक्स भी लें बीच में। ठीक है हम तो स्टार्ट तो करते ये हैं एनेट से। एनाटमी का इस तरह है कि आपको एनाटमी के लिए उस तरह की डिटेल नहीं चाहिए, मसल की इंसर्शन, ओरिजिन, ये चीजें, और नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई का थोड़ा बहुत पता हो बंदे को, मीडियन नर्व कौन कौन से मसल को करती है रेडियल, इस तरह चीजें। तो इसके लिए ये छोटा सा एक रिव्यू सोर्स है शेल्फ नोट्स का, इसकी PDF भी अवेलेबल है ऑनलाइन, तो बंदा वहां से मतलब डाउनलोड कर ले और इसे स्टडी कर ले। ठीक है फेसबुक के ग्रुप्स हैं, उसमें फाइल्स के सेक्शन में मिल जाएगी आपको ये। और ठीक है BNB का एक है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की वीडियोस हैं, उसमें उसने काफ़ी अपर लिम, लोअर लिम, ये चीज़ें टच की हैं। तो ज़्यादातर स्टेप्स में जो है लिम्स को ज़्यादा फोकस करते हैं कि फॉर एग्जांपल मीडियन नर्व की इंजरी में क्या क्या मैनिफेस्टेशन होंगी, प्रोक्सिमल होगी, डिस्टल होगी, तो क्या मतलब वो होगा, साइंस कौन कौन से होंगे उसमें, तो ठीक है डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं। तो ये BNB की वीडियोस हैं। और न्यूरोएनाटॉमी के लिए अगर आप देख रहे हो तो कैपलन की, डॉक्टर वाइट की वीडियोस हैं वो अगर आप देख लो, या BNB का नर्वस सिस्टम, इन दोनों में से कोई एक आप कर लो तो ठीक है न्यूरोएनाटॉमी के लिए। ठीक है तो ये आपका एनाटॉमी कवर हो जाएगा इससे ज़्यादातर। फिर फिजियो की ठीक तरफ है है एक BRS फिजियो की बुक है, वो आप देख लो, और उसके साथ BNB की जो रेलिवेंट मतलब फिजियोलॉजी, फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसकी सिर्फ फिजियोलॉजी आप BNB से कर लो। फिर इसी ठीक है ठीक तरह अगला सिस्टम रेस्पिरेटरी, रीनल, GIT, ठीक है। तो है अच्छा हमजा, ये जो BRS फिजियो है ये वही सोर्स है जो कि FCPS में लोग इस्तेमाल करते हैं पार्ट 1 में? हाँ इसमें भी यही करते हैं ठीक आजकल, है मतलब FCPS के लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो वो फर्स्ट एड को मतलब वही पढ़ रहे होते हैं, तो बंदा ठीक क्यों है ना डायरेक्टली उधर से ही मतलब बंदा ये स्टेप्स की तैयारी भी हो जाएगी, FCPS ठीक की है भी हो जाएगी, तो ठीक है एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। तो ठीक है ठीक है पढ़ना तो वैसे भी होगा, पहले पढ़ो या बाद में पढ़ो, तो बंदा ठीक है ठीक शुरू से ही कर ले तो ठीक है। है तो तो बायोकेम जो है, जेनेटिक्स और बायोकेम, इसके लिए BNB की वीडियोस आप कर लें क्योंकि ये शॉर्ट है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कोई मसला है, जेनेटिक्स में अमूमन मसला हो जाता है ना, तो उसके लिए टर्को की वीडियोस हैं, कैपलन का एक अच्छा, काफ़ी अच्छा टीचर है सैम टर्को, उसने कवर किया बायोकेम और जेनेटिक्स को, तो ठीक है उसकी वीडियो अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फार्मा के ठीक लिए है आ, आ, 2010 की एक वीडियोस हैं रेमन की, कैपलन की, वो अच्छी हैं और शॉर्ट भी हैं, बंदा इजीली कर सकता है उसे। और पैथोलॉजी के लिए तो पैथोमा मतलब आप मस्ट कर रहे हैं और उसके साथ वीडियोस, बाकी ठीक है रॉबिन ठीक शॉबिन है करने की, लॉन्ग बुक्स करने की इतनी ज़रूरत नहीं है स्टेप्स के लिए। गाइडन की अच्छा फजूल अच्छा मतलब इतनी ऐसी थ्योरियां पढ़ी थी हमने, अभी क्या सोचते हैं कि टाइम ज़ाया किया था उस पर, तो ठीक है अच्छा वो हमजा मतलब एक पोस्ट ग्रेजुएट की एक बुक्स और हैं। ठीक है हाँ
एक और बात है कि फार्माकोलॉजी की जो आपने रेमन की वीडियोस बताई हैं, इसके साथ बुक केपलान की बुक करेंगे? हाँ कैप्लान कर लो, ठीक है, वो ठीक है, कैप्लान की ठीक, बुक ही ठीक है। इसमें ये ठीक है कि है। आप फॉर एग्जाम्पल बंदे को कुछ भी नहीं आता ना, तो ये इससे स्टार्ट ले ले, ठीक है। अगर एडवांस लेवल पे है तो उसको जनरली मतलब इसमें से कुछ सब्जेक्ट में मसला होगा, तो वो स्पेसिफिकली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोर्थ ईयर में हूँ तो मुझे मतलब 3 4 दफ़ा क्या पता की हो, तो मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ठीक है, डायरेक्टली मतलब फर्स्ट एड से भी मतलब कर सकता हूँ। मगर मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि ये ज़्यादातर वो लोग होंगे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे, जिनको मतलब आइडिया नहीं होगा ना उस बारे में कि कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है, तो ठीक है, ये मतलब सोर्सेज में उनके लिए बताएं। ठीक है, तो ठीक माइक्रो के लिए आप स्केची माइक्रो ही करें उसकी वीडियोस, है, ठीक उसमें है। बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी ये सब कुछ है उसमें, तो और इसके लिए इससे हो भी सकता स्केच, इसके लिए भी स्केची की बुक हो माइक्रो के लिए? है। बुक्स ना भी हो तो हाँ बुक भी ले सकते हैं, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो अगर बुक्स बंदे ने नहीं पढ़नी तो वो साथ में अपनी लेक्चर नोट्स बनाए? इससे स्केची से नहीं, किसी मतलब लेट सपोज वो स्केची पढ़ रहा है, तो स्केची की वो कोई बुक ना पढ़े, लेट सपोज सिर्फ वीडियोस देख रहा हो, तो वीडियोस के साथ बेसिक आउटलाइन के लिए कोई नोट्स बना ले यार अपने हाँ साथ। नोट्स ना भी बनाए, या माइक्रो के साथ स्केची पढ़ ली उसके बाद फर्स्ट एड पे चला जाए, माइक्रो का सेक्शन रीड कर ले। फर्स्ट अच्छा, ठीक है, एड में इस सिर्फ तरह के एनाटॉमी ठीक है, मतलब ये बायोकेम इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इसके अलग अलग सेक्शंस हैं, तो ठीक है, बंदे ने अगर स्केची कर ली तो थोड़ा बहुत उसे आइडिया हो जाएगा माइक्रो के बारे में, तो वो फर्स्ट एड से अच्छा, डायरेक्ट मतलब रीड कर ले, उसे पता लग जाए कि तो माइक्रो। ठीक है, तो इधर आपको थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। तो मैं बताऊंगा कि जो फर्स्ट एड बेसिकली बुक है, तो इसमें सेक्शंस बने हुए हैं हर सब्जेक्ट के, और स्टेप वन की अलग है, स्टेप टू की अलग होती है। तो हाँ बेसिकली ये बुक आती है, ये देखें आप, फर्स्ट एड के नाम से, अगर हाँ आपको जी नजर आ रही फर्स्ट हो एड, तो फर्स्ट, जी ये बुक होती है, ये फर्स्ट एड की होती है, ये आपको हाँ जी यूज करनी बिल्कुल पड़ती है। बिल्कुल, ये इस मेरे ख्याल से ठीक है, सीके की है, तो आपने स्टेप वन ठीक की है, अलग है। ठीक है। हमजा, वो स्क्रीन दोबारा शेयर कीजिएगा और कंटिन्यू कर लें आगे। ठीक है, हाँ जी, तो इम्यूनोलॉजी जो है इम्यूनोलॉजी आप BNB इम्यूनोलॉजी वीडियोस देख लें, वो मोर देन इनफ है इसके लिए, ठीक है, ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में इतनी जाने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है इसमें। इम्यूनोलॉजी मतलब माइनर सब्जेक्ट है इसके लिए, हम कहते हैं 3 P's आपके स्ट्रांग होने चाहिए स्टेप वन के लिए, पैथोलॉजी ठीक है, फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी, क्योंकि इन्हीं ठीक है, तीनों में से मतलब फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज है उसका प्रेजेंटेशन इस्कीमिक हार्ट डिजीज, उसमें कोई ड्रग्स कोई यूज होती है उसका मैकेनिज्म पूछ लेंगे या उसकी फिजियोलॉजी पूछ लेंगे, तो ये इन 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा वो मतलब एक सब्जेक्ट से निकल के दूसरे सब्जेक्ट को टेस्ट करते हैं, तो मतलब इंटीग्रेशन इसमें ज़्यादा हो सकती है ना इन फिजियोलॉजी पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी में, तो इसमें बंदा ज़्यादा फोकस करे इन चीज़ों पे। ठीक है, और बिहेवियर साइंस और साइकेट्री के लिए BNB की वीडियोस, अगर इसमें कोई मसला है तो फिर बायोस्टेट में अगर कोई मसला है तो कैपलन की वीडियोस देख लें, या रेंडी नील उसका एक यूट्यूब पे चैनल है वो आप ठीक है, देख लें, उस वो मतलब उसने भी एक दो वीडियोस बनाई हैं बायोस्टेट पे, तो वो भी हेल्पफुल हो ठीक सकती है, हैं। ठीक है, इस सारे चीज करने के बाद आप एक रीड फर्स्ट एड की दे दें कवर टू कवर, मतलब आपको आइडिया हो जाए कि फर्स्ट एड में क्या चीज लिखी है, और थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि मतलब स्टेप वन के लिए कौन सी चीज हाई यील्ड है, क्योंकि अब ये जो पीछे आपने चीजें पढ़ी है ना इसमें आपको यूजलेस डिटेल भी मिलेगी, इसमें मतलब ऐसी चीजें भी मिलेंगी जो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब आपने जो है इन चीजों को कवर कर लिया, इसके बाद ये सोचना नहीं है कि मुझे फलानी चीज भूल रही है वो चीज भूल रही है, आप डायरेक्ट फर्स्ट एड को उठाएं और उसमें सारी हाई यील्ड बातें जो होंगी ना वो आपको मिलेंगी। तो आपने इस तरह ठीक है, इसकी मिसाल इस तरह की आपने गियर शिफ्ट करना है, वन में था ठीक आपका है, आप 2 में लाएं, ठीक है, तो ठीक मतलब है, 2 का ये मतलब है कि उन रिसोर्सेज को छोड़ दें अब फर्स्ट एड को पकड़ें, तो ये है ठीक है, ठीक है। हमजा, बंदे एक की। और हाँ बात, ठीक है जी, आप जी, कंटिन्यू करें जी। फर्स्ट एड को जब आप पढ़ेंगे उसके बाद आप फेज 2 में एंटर हो जाएंगे, उसमें आपने ठीक है, मैक्सिमम ठीक है, सवाल हम करने हैं। हाँ हमजा, 1 मिनट, फिर हम आएंगे फर्स्ट एड के। फर्स्ट एड में एक चीज़ होती है कि आपने कोई वीडियोस देखी,
वीडियोस में आपको कुछ पॉइंट्स मिले जो कि फर्स्ट एड में नहीं है, तो आप किस तरह अपने नोट्स जो है फर्स्ट एड के ऊपर ऑर्गेनाइज करते थे? क्या आप स्टिकी नोट्स हाँ, इस्तेमाल करते थे? मैंने आप ज्यादातर नहीं लिखा उस पे, फर्स्ट एड पे, और जो भी लिखा है वो भी ठीक मैं है, स्टिकी नोट्स पे लिखा है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उस वक्त कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है ना। तो मैं ठीक है, अगर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल भी जाता तो मैं मतलब स्टिकी नोट के ऊपर लिखता था, डायरेक्ट फर्स्ट एड पे नहीं लिखता था, क्योंकि क्या पता ठीक है, वो पॉइंट मुझे जरूरत ना हो तो मुझे फिर बाद में स्टिकी नोट हटाने में इजीली हटा सकूँ ना उसको। तो ठीक है। इस तरह मैंने किया तो था। अच्छा हम सब, बात यह है कि इसके जो आपने सोर्सेज बताए हैं, तो ये सोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए, इनकी वीडियोस मिल जाती हैं या आपको सब्सक्रिप्शन करनी पड़ती है? नहीं, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन जिसके पास पैसे हैं वो करे, और जिसके पास नहीं मेरी तरह तो वो ठीक ऑफलाइन है, है वीडियोस अवेलेबल, और ठीक है, नेट मिल पे जाते। गूगल करेंगे तो कैप बीएनबी वीडियोस, कुछ ना कुछ आपको लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें मतलब होगी पड़ी होंगी ये चीज़ें। हाँ, ठीक है, और ये नहीं भी एक होता है। तो मतलब सीनियर्स होते हैं बंदे के, तो उन उनके पास पड़ी होती हैं, उनको पता होता है कि तो उनसे ले सकते हैं। ये एक ऐप है टेलीग्राम के नाम से। आप इसमें जाएं, आप इसमें लिखें एनी वीडियोस, हाँ कैपलान की वीडियोस लिखें, आप जाके इसमें बीएनबी की लिखें, तो यहाँ बिल्कुल पे हर वीडियोस का सोर्स पड़ा हुआ है, आप यहाँ से बिल्कुल, डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे हर वीडियो आपको मिल जाएगी। ये टेलीग्राम ठीक काफी है, अच्छा ऐप है, ये मैंने अपनी लेटर स्टेजेस में यूज किया था, मतलब ठीक है, इसमें मुझे काफी चीजें मिल गई थी जो मुझे आम मतलब साइट से नहीं मिल रही थी, तो ठीक है, ये अच्छा, मतलब ठीक है। हम सर फेज 2 पे हम जाते हैं। अच्छा। फेज टू में आपने वो अभी आपने पैसिवली वीडियोस देखी थी, और फेज वन में ज्यादा आपने आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट नहीं किया था। इस फेज टू में आप अपनी नॉलेज को टेस्ट भी करेंगे, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, और आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपने यूवर्ल्ड की एक सब्सक्रिप्शन लेनी है 1 साल की, क्योंकि अभी क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा हो गए हैं। पहले बंदा 2,000 क्वेश्चन होते थे, बंदा 6 महीने की सब्सक्रिप्शन कर सकता था और इजीली वो कवर कर सकता था, बट अभी थोड़ा अनश्योर होता है बंदा, तो एग्जाम की डेट आगे पीछे भी हो सकती है, तो ऑन दी सेफ राइड रहने के लिए मतलब 1 साल की सब्सक्रिप्शन बंदा कर ले यू वर्ल्ड की, और फिर यू वर्ल्ड में ब्लॉक्स बनाए। ब्लॉक्स अब बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि आप सिस्टम वाइज बनाएं, सिस्टम वाइज से मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अब कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, उसके आप क्वेश्चन सिर्फ उसी के क्वेश्चंस का एक ब्लॉक बनाए, मतलब 40 क्वेश्चंस का एक ब्लॉक होता है, मतलब उसमें कोई नर्वस सिस्टम का सवाल नहीं आएगा, उसमें सिर्फ स्पेसिफिक टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही आएंगे। दूसरा ये है कि आप रैंडम बनाए, रैंडम में ये होगा कि एक सवाल एनाटमी का होगा, दूसरा फिजियो का हो, किसी और सिस्टम से होगा, मतलब एक यूरिनरी का है, अगला रेस्पिरेटरी का, इस तरह। तो ये आपके डिपेंड करता है। आपने कौन सा किया था? आपने कौन सा? मैंने शुरू में सिस्टम वाइज किया था, ठीक है, फिर जो सेकंड पास किया था ना, फर्स्ट एक दफ़ा यूवर्ल्ड मैंने सिस्टम वाइज कर लिया, उसके बाद सेकंड जब मैंने किया तो वो रैंडम था, रैंडम टाइम मोड, उसमें बेसिकली मैं कर रहा था कि एग्ज़ाम की तरह, क्योंकि एग्ज़ाम में ये तो ये नहीं होगा कि हर ब्लॉक मतलब ब्लॉक में मिक्स वाले होंगे, आपको रैंडम की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, तो वो मैंने सेकंड पास उस वजह से रैंडम में किया था। ठीक है, तो आपने मतलब इसको कोशिश करनी है कि 30 इनिशियली आपके क्वेश्चंस कम होंगे, 20 तक होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो 30 to 40 क्वेश्चंस भी बंदा कर सकता है एक दिन में ना। ठीक तो है, ये इस तरह मतलब 3 महीने में तक आपका ये यूवर हो सकता है, एक एक राउंड उसका। अच्छा हमजा, इसमें कितने एमसीक्यूज हैं यूओल के अंदर? तकरीबन अभी तकरीबन कोई 3600 तक हो गए होंगे 3600 एमसीक्यूज। जब मैं था तो तकरीबन 3300 इसी तरह थे, 3200 3300 अब। और ये एड अप होते जाते हैं। हाँ, तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप ऑफलाइन के बजाय डायरेक्ट ऑनलाइन वे करें, क्योंकि ऑफलाइन में क्वेश्चन मिसिंग भी हो सकते हैं, बंदे का फोकस भी कम होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं दोबारा ऑनलाइन में करूँगा तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता उस वक्त। अब अगर आप ठीक ऑनलाइन है, करेंगे तो फिर मतलब बंदे को होता है कि मैंने इतने पैसे भी लगाए हैं और ये क्वेश्चन पता नहीं कब आएगा, आएगा भी नहीं, तो बंदा फिर वो करता है, ज्यादा फोकस से बैठता है उस पे। ठीक है, अच्छा।
तो फेज वन की जो बात है वो आपने जो सब्सक्रिप्शन उनके लिए नहीं करनी, वो आपको ऑफलाइन मिल जाएंगी। फेज टू की अगर आपने सब्सक्रिप्शन करनी है तो वो करनी चाहिए बंदे को, क्योंकि फिर हाँ, वो इसमें आप इन्वेस्ट कर दें क्योंकि ये आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी यू वर्ल्ड ठीक में। तो ठीक इसके लिए मतलब इसमें ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम भी आपका इसी में लगेगा यू ठीक है। वर्ल्ड के अच्छा, मतलब दर्शन में। एक लोग होते हैं वो जब प्लेब की तैयारी करते हैं तो वो एक सोर्स लेते हैं प्लेबेबल के नाम से, उस सोर्स की जी बिल्कुल, एंड पे हर एमसीक्यूज के एंड पे एक्सप्लेनेशन होती है, तो क्या यू वर्ल्ड में भी एक्सप्लेनेशन होती है? बिल्कुल उन्होंने एक्सप्लेनेशन ना सिर्फ करेक्ट ऑप्शन की दी जाती है बल्कि रॉन्ग ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है ये भी बताया होता है कि ताकि आप अगर फॉर एग्जांपल इस तरह ये है कि एक सवाल से चार सवाल आप सीख सकते हो। फॉर ठीक है, एग्जांपल अगर चार ऑप्शंस हैं और आपको पता लग गया कि ये रॉन्ग ऑप्शन क्यों रॉन्ग है और ये किस ऐसा कौन सा सिनेरियो होगा कि ये ठीक ऑप्शन होगी उसमें रॉन्ग ठीक वाली है, भी। और ठीक है, मतलब इस तरह बंदा चार सवाल सीख सकता है उस क्वेश्चन से। तो ठीक है, ये है इसका मतलब, हर एक सवाल के आखिर में रॉन्ग की भी एक्सप्लेनेशन। और इसका करने का तरीका ये है कि आप पहले क्वेश्चंस का एक ब्लॉक बनाएं ठीक है, और उसे मतलब अगर ट्यूटर मोड में कर रहे हैं तो ट्यूटर मोड का ये मतलब है कि आपने एक सवाल किया उसके बाद डायरेक्ट टाइमर रुक जाएगा, एक्सप्लेनेशन खुल जाएगी। ठीक है, ये ट्यूटर मोड होता है कि आपने सवाल किया और वो आपको सिखाएगा कि आपने क्या गलती की। एक ठीक है, होता है दूसरा टाइम मोड। टाइम मोड में ये होता है कि एग्जाम की तरह आपको 40 सवाल आते हैं, आपने मतलब करेक्ट ऑप्शन चूज किया, अगला सवाल आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। 40 जब ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको स्कोर बताएगा कि आपका इतना इतने गलत थे, इतनी परसेंटेज आई आपकी इस ब्लॉक में। और फिर आप उस ब्लॉक को दोबारा खोलोगे, उसमें फिर वो बताएंगे कि अच्छा इस सवाल में ये एक्सप्लेनेशन है, ये इसका आंसर है मतलब, और ये इस वजह से रॉन्ग है। तो ये अच्छा दो तरीके अच्छा हैं मतलब इस तरह, टाइम ठीक मोड में और है। ट्यूटर मोड में। तो मैंने अच्छा, पहले हमजा ट्यूटर ठीक मोड किया था। है, आपने ट्विटर मोड किया था, ठीक है। तो हाँ एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये करना है कि जो टाइमर मोड अच्छा होता है कि दूसरा अच्छा होता है, या दोनों करने चाहिए बंदे को? इनिशियली बंदा इतना मतलब यूज टू नहीं होता ना यू वर्ल्ड के क्वेश्चंस को पिक करने में। ठीक है, तो ट्यूटर मोड शुरू में ठीक रहता है क्योंकि ठीक हमें है, भी मतलब जो एग्जाम होता है उसमें इतने डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं आते कि इतनी थिंकिंग नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट रट्टा सवाल होता है ना, तो हम तो उसके आदी नहीं होते, तो ट्यूटर मोड ठीक रहता है शुरू में। हाँ अच्छा। तो एक और बात, ये जो इसमें क्यू बैंक है, क्या इससे रिपीटिशन भी होती है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन में आ जाए, क्या वो रिपीट भी होते हैं? हाँ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल कार्डियो मतलब रेस्पिरेटरी में सीओपीडी का कोई क्वेश्चन मतलब वो टॉपिक है ना, सीओपीडी में ठीक है, अब काफ़ी क्वेश्चंस होंगे उसकी मैनेजमेंट के लिहाज से, उसके मतलब पैथोलॉजी, उसकी एनाटमी मतलब एम्ब्रियोलॉजी जो भी मतलब पैथोफिजियोलॉजी है, तो उसके क्वेश्चंस पड़े होंगे। तो ये है कि एक टॉपिक पे मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं और वो इन अ सेंस रिपीट भी हो सकते हैं, मतलब ठीक उस है, तरह रिपीट नहीं होंगे कि वही सवाल दोबारा आएगा, वो किसी और एंगल से पूछेगा वो सवाल, कि कोई और ऑफ कॉन्सेप्ट उसके बारे में टेस्ट करेगा। जी बिल्कुल, हाँ केमयू केमयू की तरह नहीं है। ठीक है, ठीक हाँ है, ठीक। सही अच्छा, है तो अभी एक और पॉइंट रह गया है जो आप बता रहे थे, सोर्स टू में, फेज टू में, सॉरी, फेज थ्री पे एक और पॉइंट रह गए हैं, फेज थ्री में। फेज थ्री में। हाँ फेज थ्री में ये है कि आपने जितना अभी तक पढ़ा है ना, फर्स्ट एड ठीक पढ़ी है, है, यू वर्ल्ड पढ़ लिया आपने, उसकी अब रिवीजन है। फर्स्ट एड को आप रिवाइज करेंगे मतलब मतलब ये है कि एक दिन में फॉर एग्जांपल आप टारगेट रख देते हैं कि 20 पेजेस, 30 पेजेस, जितना भी आप इजीली कर सकते हैं, 40 पेजेस वो ठीक मतलब है, कर लूँगी फर्स्ट एड के। फिर अगले दिन इसी तरह, इसी तरह फिर आप यू वर्ल्ड को जब दूसरी दफ़ा करेंगे तो आप इस मतलब पॉइंट को भी अपने जहन में रखेंगे कि मैंने अपनी टाइमिंग को भी इम्प्रूव करना है, स्टेमिने को भी ठीक बिल्डअप करना है, क्योंकि अभी तक आप एक सिर्फ एक ब्लॉक कर रहे होते थे और एक्चुअल एग्जाम में 7 ब्लॉक्स होंगे, 7 ब्लॉक्स मतलब 8 घंटे, तो आपको 8 घंटे का स्टेमिना चाहिए और मुसलसल सवाल करने का। तो सेकेंड ठीक पास है, में ये पॉइंट भी आपकी जहन में होता है कि मैं एक ब्लॉक के बजाय 3 4 जितना मैं कर सकता हूँ उतने ब्लॉक बनाऊँ।
दिन में उतने करूं, तो इस ठीक तरह आप ये रिवीजन करोगे। और दूसरी बात यह है कि असेसमेंट्स आपने करनी है। असेसमेंट्स में NVMEs आ जाते हैं और UWSA आता है, तो इसमें भी काफ़ी NVMEs की असेसमेंट है, 15 से शुरू होता है 24 तक, और मतलब अभी नए और भी आ गए, 30 तक हो गए आप। तो इसमें बंदा मतलब ये करता है कि वीकली बंदा एक NVME दे देता है। NVME ये होता है कि इसमें भी चार ब्लॉक्स होते हैं, मतलब हर ब्लॉक में 50 सवाल होते हैं, टोटल तकरीबन 200 क्वेश्चंस होते हैं। इसकी की भी टू अवेलेबल है हंड्रेड थ्री ऑफलाइन, हाँ की अवेलेबल है ऑफलाइन इसमें NVMEs की, सारों की। तो आप इसको ऑफलाइन कर लें NVMEs को, शुरू में वीकली आप दे दिया करें, मतलब जब आप फेज थ्री में हो। और फिर आप असेसमेंट किया करें कि कितने मेरे गलत हुए, 200 में से मेरे कितने गलत हुए, फॉर एग्जांपल 20 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं। इनिशियली आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, फिर ऐसा ऐसा बंदे को NVME के सवाल करने का जो अंदाज़ है उसके बारे में यूज्ड टू हो जाता है, तो उसकी मिस्टेक्स फिर कम होने शुरू हो जाती हैं, फिर ऐसा ऐसा अच्छा ग्रेजुअली कम होती हैं। इस फेज पे आपके कितने गलत हुए थे, और पहले आपने MBME एग्जाम दिया था उस पे आपका क्या स्कोर था, फिर आगे जाके कैसे इम्प्रूव हुआ ये भी बताना। मेरे टाइम में तो ये NVME 15 से लेके जो 19 थे ये फ्री थे, क्योंकि ठीक है उन्होंने कोविड की वजह से कुछ फ्री किया हुआ था कि मतलब ऑनलाइन बंदा कर सकता था ना। तो उसमें मेरे इनिशियली 240 आ रहे थे, 240 में, ठीक है तो फिर उसके बाद फिर मेरे आस्ते आस्ते इंक्रीज हुए थे, 260 तक गए थे इस तरह। ठीक है। तो ये इस तरह मतलब और ये है कि पहले मिस्टेक ज़्यादा होंगी, ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करोगे। करंट ठीक है, और आपका करंट स्कोर अब क्या है? मेरा था 256, उसमें आया था फाइनल एक्चुअल एग्जाम, फाइनल आप एक्चुअल मतलब एक्चुअल एग्जाम। एग्जाम में आपका 256 आया। ठीक है हाँ जी हाँ सही। ठीक है तो MBME के एग्जाम्स आप कह रहे हैं कि ये बंदे को देने चाहिए वीकली बेसिस के ऊपर। ठीक है ये फेज थ्री में कर ले, एक खैर पहले रख ले। मैं नहीं कह रहा कि फेज थ्री में आप NVME दो। आप फॉर एग्जांपल यूवर्ल्ड फेज टू में आप 80% हो गया आपका यूवर्ल्ड, और आप कह रहे हो कि मुझे एग्जाम डेट में श्योर नहीं हूँ कब मुझे लेनी चाहिए, तो आप एक NVME दे दो, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप मतलब कितने पानी में और कितनी मिस्टेक्स आपकी हो रही हैं, तो ठीक उसके है मुताबिक आप डेट ले सकते हो। ठीक है तो इसमें मतलब ये रिजिड नहीं है इस तरह, ये मैंने वैसे आसान करने के लिए सारे बनाया कि इस तरह ठीक है आप बंदे को करनी चाहिए प्रिपरेशन। ठीक है। अच्छा रफली आप टाइम टाइम फ्रेम पे आते हैं, जैसे आपका फेज टू का आपने बताया कि ये बंदे को करते हुए तकरीबन 3 मंथ्स लग जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ पे, थ्री, बीच में गैप्स भी आते हैं तो ऑन सेफ साइड 4 मंथ्स कर लें, 4 मंथ्स और ऊपर। 4 मंथ्स हाँ फेज टू पे लग जाते हैं। हाँ फेज थ्री पे तकरीबन कितना टाइम लग जाता है? इस पे कम लगता है, इस पे तकरीबन 2 2 2 मंथ्स, 2.5 इस तरह। 6 मंथ्स हो गए। और फेज वन जो है जो कि मेन फेज है उस पे तकरीबन कितना यार लगेगा? ये डिफ्यूज है, ये हर एक का वेरिएबल होता नहीं हम है। वेरिएबल हाँ तो पूछ हम वेरिएबल पूछ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जब पूछेंगे तो आपका पूछेंगे, आप अपना बताएंगे आपका कितना टाइम लगा था। मैंने खुद डिफ्यूज किया था, मैंने फोर्थ ईयर में ये कवर करने की कोशिश की थी, बेसिक्स और ये चीजें। तो ठीक है तो आपने अपनी मेन तैयारी जो थी वो फोर्थ ईयर में स्टार्ट की थी, और एग्जाम आपने फिर इस तरह आगे जाके दिया था। हाँ फाइनल में मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है फाइनल ईयर ठीक में। है। अच्छा अब चूंकि जो ये असेंबली स्टेप वन है वो तो तकरीबन वाइंड अप हो चुका है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो हाँ मैं उसका आपसे कुछ आग तो आइडिया आगे होगा। मैं आपसे तो आगे मैं आपसे हमजा ये पूछना चाहता हूँ कि वाई यूएसए, आपने यूएसए क्यों चूज किया, आप अपना वो अच्छा बताएं ये कि। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मैं जब शुरू में आया था तो मुझे जहन में था मतलब फर्स्ट ईयर MBBS में कि इस तरह कोई US का एग्जाम होता है, US में जी जिसे कहते हैं। तो मैं अपने सीनियर से पूछा तो वो हंसने शुरू हो गए कि ये तो मतलब फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में बंदा करता है, तुम क्यों मतलब इतनी जल्दी सोच रहे हो उसके बारे में। तो फिर मैंने छोड़े रखा इसका प्लान, मैं कह कि बस प्रॉफ देते हैं, प्रॉफ इधर ही ठीक है पाकिस्तान में। तो ठीक है फिर फर्स्ट ईयर गुजरा, सेकंड ईयर गुजरा, थर्ड ईयर के एंड में मेरा थोड़ा जहन चेंज होना शुरू हो गया ठीक है कि यूएस एक ट्राई मारते हैं, यूएस में लीग ही ना, क्योंकि इधर ट्रेंड भी था, सीनियर्स कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो
ठीक है ठीक मैंने कहा कि है बजाय ये कि बाद में पछताऊँ, इससे यही है कि मतलब बंदा पहले दे दे कि बाद में रिग्रेट ना हो, मैंने तो इस वजह से दिया था कि एक तो तैयारी भी हो जाएगी, बंदे को कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है MBBS में, वरना एग्जैक्टली वो इधर उधर ही होता रहता है, हाँ कोई हाँ गोल एक बार ना होना हाँ तो फिर एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब बंदा एक बार स्टार्टिंग कर ले फिर वो आगे चलता जाता है, अगर स्टार्टिंग ना की जाए तो बंदा बस रुका रहता है, फिर बस प्रॉफ हाँ देगा और बैठा रहेगा। बस ये है कि प्रेप्स में थोड़ा पढ़ लिया, बस KMU पास हो गया तो प्रॉफ निकल गए, तो बंदे की फिर ठीक ये है होता है ना, ठीक अभी यूएस मिली ठीक कि गलत बंदा होता है उसको फिर ग्रोथ करना पड़ती है थोड़ी, तो ठीक है इस वजह से मतलब अच्छा और हम मैं हमजा ट्रेनिंग आमा इसी से रिलेटेड ये है कि पाकिस्तान ठीक में है और यूएस में ट्रेनिंग का भी फर्क है ना, उधर काफी ट्रेनिंग मतलब प्रोटोकॉल वगैरह फॉलो होते हैं और प्रोफेशनल तरीके से वो हैंडल करते हैं पेशेंट्स को, तो ठीक है रिसर्च में भी उधर काफ़ी है, तो प्लस पॉइंट्स हैं वहाँ के काफ़ी, तो इस वजह ठीक से है। भी एक बंदे का सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन होता है जी कि वो इम्प्रेस हुआ होता है कि मैं बस इस वजह इस बंदे से इम्प्रेस हुआ हूँ, ये मेरी इंस्पायरेशन है, ये मुझे मोटिवेट करता है। तो आपके वो स्पेसिफिक पर्सन कौन है जो जिसने आपको स्टेप्स के लिए मोटिवेट किया था? मेरी क्लास का एक बंदा था, एक मेरा कलीग है मतलब क्लास में ही है, तो वो बैठा हुआ था स्टेप्स के लिए, तो ठीक है मैं उससे इंस्पायर हुआ कि बंदा बैठा था उसने स्टेप्स में, वो मेरे से आगे था मतलब काफ़ी, तो उसको जब मैं देखता था और वो मुझसे इस तरह सवाल पूछता था और मैं इस तरह के भाई ये बंदा क्या कर रहा है ना, मतलब मैं नहीं दे सकता था उसके जवाब, तो फिर मैंने कहा कि हाँ ये मतलब करना चाहिए, मतलब को एक ट्राई करना अच्छा चाहिए, अच्छा अच्छा तो ठीक। अच्छा और अब हमजा आगे इस तरह है कि आप अब हमें ये बताएं कि आगे स्टेप वन के बाद क्या आता है, वो थोड़ा थोड़ा आगे हमें बताते चले जाएं, थोड़ा सा और डिटेल से हमें स्टेप वन से आगे बता दें कि क्या होगा, कि क्या स्टेज आएगी। स्टेप वन के बाद आपका स्टेप टू होता है, स्टेप टू ठीक में है बनने का रिलेटिवली कम टाइम लगता है, स्टेप वन ठीक में है ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं होता ना बेसिक्स का, ठीक है और अप्रॉक्सीमेटली 40% है, 40 to 50% स्टेप वन ठीक है का जो ठीक है मटेरियल है वही स्टेप टू में यूज़ होता है, सिर्फ एडिशनल ये चीज़ होती है कि आपने मैनेजमेंट किस तरह करनी है और ट्रीट मतलब इस तरह, डायग्नोसिस तो आपने कर ली स्टेप वन में ना, मैनेजमेंट और ठीक है वो चीज़ें जो ट्रीटमेंट वगैरह ठीक वो है आपको स्टेप मतलब टू में पता लगता है, स्टेप टू में तो ठीक है मैक्सिमम जो आपने एफर्ट की होती है वही स्टेप वन की, वो आपकी स्टेप टू में यूज होगी, थोड़ा सा आप एफर्ट करेंगे तो स्टेप टू भी निकल जाएगा, उसके बाद जो ठीक है है आप OET भी दे दोगे, अभी OET आया हुआ है, OET में तकरीबन दो ठीक हफ्ते भी नहीं लगते, 1 महीने के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकते हैं OET, तो इस ठीक है इन इन तीनों को करने के बाद आपको ECFMG की एक सर्टिफिकेशन होती है वो मिल जाती है, आप MD कहलाते हो, मतलब आप अपने नाम के साथ MD लिख सकते हो उसके बाद, ठीक अगर है आपने ये तीन चीज़ें कर ली उसके बाद मतलब वो ECFMG सर्टिफिकेशन आपको मिल गई, आप MD हो गए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो रेजिडेंसी के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल साल हर साल के जून में ये शुरू होती है, मतलब ये ERAS का एक टोकन होता है वो बंदा लेता है, उसमें मतलब अपनी CV डालता है, CV में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, पर्सनल स्टेटमेंट होती है बंदे की अपनी, CV में मतलब वहाँ पे स्कोर्स होते हैं और वो सारी चीज़ें, आपने जो रोटेशंस की होती हैं इलेक्टिव्स वगैरह ऑब्जर्वरशिप्स वो सारी उसमें वो भी डाल ठीक है होती है, ठीक है लक्षण भी हो ना, अभी नहीं हूँ मैं, अभी इनिशियल स्टेजेस पे हूँ, तो ये मुझे ठीक भी अभी ठीक है करना है ये चीज़ें, तो अच्छा हमजा खैर वही वैसे रफ ये है ठीक कि है स्टेप्स आपने कर दिए उसके बाद ECFMG सर्टिफिकेशन मिल गई, मैच के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद ऑब्जर्वरशिप्स और ये आप रिसर्चेस वगैरह करके अपनी CV को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और फिर मतलब एप्लीकेशंस मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को आपने भेजनी होती हैं, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ये इतना कंफ्यूज ना करें इनको। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा हमजा एक और बात,
एक जब हम स्टेप्स की बात करते हैं तो लोग कहते हैं सिर्फ स्टेप्स इनफ नहीं है, आपको पब्लिकेशंस चाहिए होती हैं। तो रिसर्चेस के हाँ बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि एज अ स्टूडेंट बंदे को क्या करना चाहिए, वो बंदा जब अपना MBBS ख़त्म करे उसके बाद रिसर्चेस का सोचे, या जब स्टेप्स कर रहा हो उसके दौरान सोचे, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, कब करना चाहिए और क्या सोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए हाँ पब्लिकेशन वगैरह के लिए और इस तरह से? हाँ पब्लिकेशन ये है कि इनिशियली 4th ईयर में बंदे को कम्युनिटी मेडिसिन का कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस होता है, उससे पहले बंदे नहीं होता। मतलब मुझे भी आइडिया नहीं था रिसर्च किस तरह करते हैं, क्या करना होता है, अप टिल 4th ईयर मतलब उसमें थोड़ा बहुत पता लगा था। तो ये है कि बंदा अगर थोड़ा बहुत सीख ले 3rd ईयर में या 4th ईयर में इसको, तो वो मतलब विद इन मतलब अपने एज अ स्टूडेंट पब्लिश कर सकता है ना रिसर्च पेपर्स। इसमें यह है कि मेंटोरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पहला पेपर कर रहे होते हो तो आपको कोई मेंटोर चाहिए होता है कि वो बताए आपको कि क्या चीज़ है, कोई आपको मसला हो जाता है तो वो बताएगा आपको कि हाँ इस तरह करना है भाई और वो सारे स्टेप्स। तो ऑनलाइन भी बंदा सीख सकता है, यूट्यूब पे वीडियोज़ भी हैं और बाकी ऐसे ग्रुप्स भी होंगे मतलब व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जो मतलब पब्लिकेशन से रिलेटेड होंगे, उससे बंदा काफ़ी कुछ सीख सकता है। ठीक तो है, यह है कि जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना बेहतर है, ये भी आपको करनी है इवेंचुअली आपको मतलब अपनी CV को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीज़ें। ठीक है। और आगे आप मतलब बंदे को जाके यूनाइटेड स्टेट्स में कोई एक्सपीरियंस चाहिए होता है रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए? हाँ उसमें यह है कि रोटेशंस वहाँ पे बंदा करता है, US का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टिव्स। इलेक्टिव्स आप एज अ स्टूडेंट करते हो और जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो फिर वो इलेक्टिव्स नहीं आप कर सकते, आप ऑब्जर्वरशिप्स कर सकते हो। ठीक है, मतलब इलेक्टिव्स और ऑब्जर्वरशिप्स में ये फ़र्क है कि इलेक्टिव्स में आप हिस्ट्री ले सकते हो, पेशेंट को टच कर सकते हो, एग्जामिनेशन कर सकते हो उसकी, जबकि ऑब्जर्वरशिप्स में आप जस्ट मेरे ख्याल से ऑब्जर्व कर सकते हो अटेंडिंग को, और उसके साथ मतलब पेशेंट से इतनी आपकी इंटरेक्शन नहीं होती। अच्छा हमजा एक हाँ और बात, इधर ऑब्जर्वरशिप्स या इलेक्टिव्स जो आप कह रहे हैं कि बंदा ग्रेजुएट करने से पहले जो करता है और उसके बाद जो करता है तो वो चेंज हो जाती है, क्या ये पाकिस्तान की करनी चाहिए या तो जो डॉक्टर है वो US सर्टिफाइड है पाकिस्तान में काम कर रहा है, क्या उससे हमें ये करना चाहिए या लोकल प्रेफरेबली नेचर की तो सिर्फ फॉरेन की, मतलब आप उधर US में जाके जो कर रहे हैं वो चलेगी, कर ज़्यादा सकते हैं प्रोसेस हम चलेगा? लोग, बट ज़्यादा वेटेज जो है उधर की होती है US की रोटेशन की, ठीक है, मतलब क्योंकि आप आपको उनके सिस्टम से अवेलेबल ठीक अवेयर होते हो ना, तो उनको पता होता है कि ठीक ये है हमारे सिस्टम में आया इसे पता है यहाँ पे इस तरह काम होता है। पाकिस्तान में क्या ठीक उनको नहीं इतना ठीक है मतलब ट्रस्ट नहीं है उतना मतलब। ठीक है। आजकल तो टेली मेडिसिन आया हुआ है, ऑनलाइन मतलब आपकी हाँ रोटेशंस हो सकती हैं, बिल्कुल तो वो तो उसकी भी यही इक्वली इम्पोर्टेंस होगी जितनी कि आप जाके उधर US में नहीं, इक्वल तो करना नहीं है। है, खैर बंदे को अगर वीज़ा नहीं मिल रहा नहीं जा सकता कुछ इशू हो गया तो वो टेली रोटेशंस कर सकता है एज अ अल्टरनेटिव। तो यह है कि कंसिडर करते हैं, कुछ लोगों ने तो मैच भी सिर्फ टेली रोटेशंस की बेस पे हुआ है उनका, तो ठीक है, अच्छा उनको हमजा मतलब ठीक है, स्टेप्स इस तरह हुआ है। अच्छा लास्ट हम इस पे आएंगे कि आप हमें ये बताएं कि बंदे को कितना फंड अपने पास रखना चाहिए सारे स्टेप्स के लिए, आप स्टेप 1 से हमें स्टार्ट हो जाएं और ऐसा ऐसा आगे बता दें, रफली बताएं क्योंकि एग्जैक्ट फिगर किसी को भी याद नहीं होती, हाँ तो रफली स्टेप ये है वन कि के अप्रोक्सीमेटली लिए मेरा स्टेप 3 लाख तो लग गया था तकरीबन थ्री स्टेप लाख वन के लिए, ठीक इसी है तरह ठीक स्टेप है टू में भी इसी तरह लग जाएगा ठीक थ्री है लैक्स तक, ठीक है। और और फिर जो OET ज़्यादा रहेगा OET का भी 70,000 तक, ठीक यस है, 80,000 तक लगा सिक्सटी लें। सिक्सटी 70 80 इसी तरह ठीक है हाँ और उसके बाद ठीक ECFMG जो सर्टिफिकेट में कह रहा था उसके लिए भी कुछ हैं मेरे ख्याल से, $1,000 हैं, तो वो भी 1.5 लाख तक लगा लें, 1.5 लाख ठीक तक। है, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है ना? हाँ उस US में ज़्यादा खर्चा आता है जो बंदा जाता है इलेक्टिव्स के लिए या रोटेशंस के लिए।
ठीक है। वो उसमें एक खर्चा आता है, और एक खर्चा आप जब अपनी मैच के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ना प्रोग्राम्स को, तो हर एक प्रोग्राम को जो आप सबमिट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 150 सवाल 150 जो है प्रोग्राम्स में अप्लाई किया, तो हर एक प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए आपको कोई ना कोई फीस देनी पड़ेगी। मतलब वो उसको मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट है फीस उसकी। उसमें भी आपके मतलब काफ़ी पैसे लगते हैं, तकरीबन ठीक है 3,000 डॉलर इस तरह कुछ लग सकता है। ठीक है तो ये है कि हमजे। इनिशियली बंदा का खर्चा कम होता है, स्टेप वन टू ये इतना खर्चा नहीं है इसमें, आगे जाके थोड़ा बहुत है। अच्छा, तो मोस्ट प्रोबेबली एक पाकिस्तानी मतलब ग्रेजुएट है जो कि पढ़ रहा है ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेज में, तो उसे प्रेफरली यही करना चाहिए कि एक स्टेप जो है या मेडिकल स्कूल में अगर एक स्टेप वन दे सकता है, उसके बाद बाकी स्टेप्स जो है वो अपनी रेजिडेंसी के साथ कर ले ताकि उसके साथ जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं वो पूरे हो जाए। तो हाँ आप क्या कहते हैं इस बारे में? एग्जैक्टली फर्स्ट कर सकता है, और अगर टू भी कर सकता है वो भी ठीक है, और क्योंकि उसके ठीक बाद है। आपके पास जो जो खर्चे होंगे उसमें शुरू हो जाएंगे ना। आप इलेक्टिव्स पे जाओगे या ऑब्जर्वेशन पे तो ज़्यादा खर्चा उस पे आता है। तो ठीक है। एग्जैक्टली यही बात है कि आप मतलब अपनी मतलब हाउस जॉब में थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हो, आगे मतलब ट्रेनिंग इधर में कमा सकते हो। एमओ जॉब जो करते हैं लोग, उसमें काफ़ी ठीक ज़्यादा है अर्निंग कर सकते हैं, तो हो ठीक सकता है, ठीक मतलब मैनेज हो अच्छा सकता है। यहाँ हमजे यूनुस, एक और क्वेश्चन हम आपसे करने जा रहे हैं कि जो केम साइट का प्लेट, आप केएमसी में खैबर मेडिकल कॉलेज में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे जो हाँ सीनियर्स जी हैं क्या वो अपने जूनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं? तो किस तरह वो कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब जो यूएस ऑलरेडी चले गए हैं वो जूनियर्स के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं? कोई फेसबुक पे ग्रुप है, अच्छा, व्हाट्सएप पे हाँ ग्रुप है? तो फेसबुक फेसबुक पे पे एक ग्रुप है, हाँ केम ठीक साइट्स है। का, केम साइट गाइड टू यूएसएमएल इस तरह कुछ ग्रुप का नाम है, वो है हमारा। मतलब उस पे ज़्यादातर सीनियर मतलब ये करते हैं कि कुछ अगर कोई उन्होंने वीडियो सेशन ठीक करना है हो तो वो कर देते हैं। मतलब अक्सर मैच के दौरान जो होता है ना, मैच ठीक है फॉर एग्जांपल रेजिडेंसी के मतलब जो एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं उस वक्त हमारे जहनों में काफ़ी सवाल होते हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए ठीक वो है। वीडियो सेशंस रखते हैं, तो वो तो उनका लिंक उधर पोस्ट लाइव कर देते सेशंस हैं। आते हैं। हाँ लाइव सेशंस आते हैं उसमें, तो उस तरह एक। और दूसरा ये कि उस ग्रुप में फाइल्स वगैरह शेयर की हुई हैं उन्होंने, अपने सीनियर्स ने, तो डिस्कशन हुई हुई ओके उन्होंने पहले ठीक से है ना, तो पास में हम जाके वो थोड़ा ठीक बहुत है उधर से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है। मतलब वो लाइव सेशंस भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, जब मैच होते हैं वो मैच हो जाते हैं उसके बारे में वो पोस्ट करते हैं। हाँ ये इसी तरह मैच हो जाते हैं, वो अपना बताते हैं कि मैंने ये इस तरह किया था, तो उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। किंग ठीक है, सही है सही। एडवर्ड तो वालों का हम जो है हमजे यूनुस वो यहाँ भी काफ़ी, किंग एडवर्ड वालों की जो एलुमनाई है वो काफ़ी स्ट्रांग है, उनका ग्रुप तो ओपन है, कोई भी उसे मतलब कर सकता है, तो आप ठीक है। उधर से भी काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमजे यूनुस एक चीज मैं शेयर कर लूंगा ताकि आप कंफर्म कर दें कि क्या यही चीज है, क्योंकि जिस ग्रुप के बारे में आप बता रहे हैं तो वो काफी मतलब अच्छा लग रहा है, और यहाँ से हमारे जूनियर्स हैं सीनियर्स हैं काफी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हाँ जी हमारे कॉलेज के जो है इतना स्ट्रांग फिलहाल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं वो अभी भी उन्होंने ये जो फॉरेन रेजिडेंसीज वगैरह हैं इनकी तरफ अप्लाई करना और शुरू हाँ किया जी है। बिल्कुल तो मैं उनको ये चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ये देख लें। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ग्रुप है, इफ आई कैन शेयर। एडवर्ड यूसमली फोरम ये इस तरह कुछ है नाम उसका। मैं आपको बता देता हूँ, ये है, आपको नजर आ रहा है ये वाला है? ठीक है, ये वाला ग्रुप है, यही है बिल्कुल, ये वाला ये ठीक वालों का भी है है, गेम साइट्स का भी है। ठीक है सही है।
सही है हमजा। यहाँ पे हमारा जो ये सेशन है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप आए हैं। आपने थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो हमजा यूनस है ये मेरा क्लास फेलो रह चुका है। इसके साथ मैंने क्लास 1 से क्लास 6 तक साथ पढ़ा है। ये मेरा क्लास फिर फेलो ये है बेवफा निकला, और फिर ये चला गया किधर और, हाँ एपीएस में स्कूल चेंज कर दिया। हाँ इसने फिर मैं दूसरे स्कूल चला गया था कि 7th में, ये फिर उधर ही रहा है। तो काफ़ी हमारा टाइम अच्छा गुजरा है और बहुत हाँ यादें हैं, बहुत यादें हैं। फिर हमारी मुलाकात ऐसे बिल्कुल हुई थी, मेरे ख्याल में FSC के बाद हुई थी। हम मिले थे साथ में और उसके बाद फिर AKMC चला गया था और हाँ, मैं फिर GMC आ गया था। तो वही ये सही। सीन ठीक रहा है, यही सीन है। ठीक है हमजा, है यार, ठीक थैंक है, यू सो बहुत बहुत मच, शुक्रिया, बहुत इतना अच्छा शुक्रिया। हेल्दी इंटरेक्शन हुआ, और ठीक मुझे भी अपनी स्टेप वन की जर्नी थोड़ी वो फ्लैशबैक हुई है उसकी कि क्या बंदे, चीजें मैंने की थी। और हमें भी काफी इंफॉर्मेशन हाँ, मिली है। और हम ये मतलब दुआ करते हैं आपके लिए कि और आगे ये आपकी काफी पढ़ाई अच्छी अच्छा है। इनिशिएटिव लिया है, इनिशिएटिव आपने ठीक काफी अच्छा लिया है अपने जूनियर्स को हेल्प आउट करने के लिए, एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली सीनियर्स को देख के ही बंदा जूनियर्स मतलब इंस्पायर होते हैं, तो एग्जैक्टली बहुत अच्छा किया आपने ये सेशन रख के। एग्जैक्टली ठीक इंशाल्लाह है। आगे भी रखते रहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात मैं अनाउंस करना चाहूँगा हमजा यूनुस की तरफ से कि आगे इंशाल्लाह हम एक और प्रॉपर सेशन करेंगे जिसमें हमजा यूनुस के साथ अगर हमने कोई और कैंप साइट वगैरह आ सके तो हम तो हमजा यूनुस को यही बोलेंगे कि आप हमारे लिए सीनियर्स जो हैं अरेंज करें। हाँ इंशाल्लाह हम एक प्रॉपर चलें, सेशन कोशिश करते हैं, कराएंगे। हाँ कोशिश करते इंशाल्लाह हैं, चला करवाएंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग कर लिया। तो इंशाल्लाह आगे भी ठीक है, इस तरह चलता रहे। ठीक है हमजा, बहुत ठीक बहुत है जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू, अल्लाह सलाम वालेकुम। हाफिज। सलाम वालेकुम।